भारत में 9 और 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये सम्मेलन नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान यानी भारत मंडपम में होगा। इस कार्यक्रम में सदस्य देशों के प्रमुख शामिल होंगे। इस दौरान सुरक्षा और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली NCR में ट्रैफिक को लेकर कुछ नए नियम लागू रहेंगे। इसका खास असर नई दिल्ली के जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसी को देखते हुए आगरा में क्या तैयारियां की गई हैं, आज जानेंगे द टॉप स्टोरी में। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के चलते दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐतिहासिक नगरी आगरा पहुंचेंगे। विदेशी मेहमान भ्रमण के लिए आगरा आ सकते हैं। विदेशी मेहमानों के आने की संभावना को देखते हुए आगरा को चमकाया जा रहा है, सजाया जा रहा है और सवारा भी जा रहा है। आगरा को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। G20 शिखर सम्मेलन की बैठक दिल्ली में होनी है। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंचेंगे। ऐतिहासिक नगरी आगरा भी भ्रमण के लिए आ सकते हैं। ऐसे में आगरा को भी सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। हमारे बीच में नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल जी मौजूद हैं। क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, ये जैसा कि G20 की शिखर सम्मेलन 8 से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली में प्रस्तावित है, तो उसको देखते हुए ये अनुमान है कि आगरा भ्रमण का कार्यक्रम भी बन सकता है। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, किंतु उसको लेकर के जो पहले G20 की दृष्टिगत तैयारियां कराई गई थी, जिस आगरा के खिरी एयरपोर्ट से लेकर के G20 रूट पर, उसी क्रम में उन्हीं व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। वहीं जैसे पेड़ पौधों की दुरुस्त कराई जा रही है, साफ़ सफाई की व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है, पेंटिंग जो पहले कराई गई थी बारिश के कारण ख़राब हो गई थी उनको दोबारा किया जा रहा है, तो उस सबको दृष्टिगत ये तैयारियाँ की जा रही हैं। और कुछ नया बदलाव दिखाई देगा कि पहले के पिक्चर? कोशिश है कि जितना पहले शहर सुंदर दिखाया गया है उससे ज़्यादा हम लोग इस बार करके दिखाएं। आप देखेंगे कि इस पूरी स्ट्रेच को हमने बोगनविलिया स्ट्रीट के तौर पे बनाया है। इस बार लाइटिंग भी और हम तिरंगा और अन्य तरह की लाइटिंग इस बार ऐड कर रहे हैं, तो उम्मीद है और बेहतर करें हम लोग। जन सहयोग भी लिया जा रहा है? निश्चित तौर पे हम यहाँ के मुइज्जिज़ लोगों से ये अनुरोध कर रहे हैं और उनको इसके साथ जोड़ रहे हैं, जिससे एक जन आंदोलन के तौर पे इस G20 समिट को हम लोग मना सकें। सम्मेलन के दौरान आगरा आने वाले विदेशियों को एक अच्छा माहौल मिल सके, यही तैयारी आगरा में की जा रही है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वे अपने शहर को साफ रखें, स्वच्छ रखें और व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग करें। अपने साथी अगर दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज आगरा। यदि आप फिलहाल में दिल्ली जाना चाहते हैं, जरूरी नहीं होने पर आप दिल्ली की यात्रा को टाल भी दे सकते हैं। आपके लिए एक बेहतर होगा कि G20 शिखर सम्मेलन की बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में जुटेंगे। दिल्ली में भीड़भाड़ को कम करने के लिए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। ताज एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में विदेशी मेहमानों का महाकुंभ लगने वाला है। 8 से 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे। दिल्ली को सजाया संवारा जा रहा है। दिल्ली को भीड़भाड़ से बचाने के लिए रेलवे ने भी एक्शन लिया है। रेलवे ने भी कई ट्रेनों को निरस्त किया है। इसके अलावा कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनका स्टॉपेज दिल्ली के स्थान पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर किया गया है। ताज एक्सप्रेस को भी निरस्त कर दिया गया है। हाँ, एक्स्ट्रा रश को देखते हुए कुछ गाड़ियों का हमने मार्ग परिवर्तन किया है, जैसे छिंदवाड़ा एक्सप्रेस है और कुछ गाड़ियों को हमने नई दिल्ली ना जाएं उनको निजामुद्दीन पे ही रोक दिया है और कुछ ताज एक्सप्रेस 9 और 10 तारीख को कैंसिल रहेगी और कुछ गाड़ियां हैं जिनको हमने नई दिल्ली प्रवेश होने से पहले ही एक्स्ट्रा स्टॉप दिया है, जहां जिससे कि पैसेंजर ट्रैफिक रेगुलेट हो सके। नई दिल्ली उत्तर रेलवे में आता है, वहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। यदि आप दिल्ली की यात्रा के मूड में हैं
बिना अनावश्यक कार्य के आप दिल्ली जाना चाहते हैं तब आप अपनी यात्रा को टाल दें, अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि रेलवे ने ट्रेनों को निरस्त किया है। इसके अलावा अन्य संसाधनों पर भी अन्य विभाग लगाम लगा रहे हैं, जिससे दिल्ली को भीड़भाड़ से बचाया जा सके और विदेशी मेहमानों के सामने भारत की शानदार छवि बन सके। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की बड़ी बैठक होनी है, दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में जुटेंगे। यदि आप दिल्ली जाने का प्लान कुछ दिनों बना रहे हैं या फिर घूमने फिरने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, कृपया टाल दें। आवश्यकता पड़ने पर ही, जरूरी हो तभी आप दिल्ली का रुख करें, क्योंकि दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली जुटेंगे, परेशानी आपको दिल्ली में हो सकती है। रेलवे ने भी कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है, कई ट्रेनें ऐसी हैं जिन्हें दूसरे स्टेशनों पर समाप्त किया जा रहा है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि दिल्ली जाने में सावधानी बरतें, आवश्यकता काफ़ी हो तभी आप दिल्ली की तरफ जाएं। अपने साथियों दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा। भारत में G20 बैठक के मद्देनजर तैयारियां जोरों से हो रही हैं। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक G20 के मद्देनजर भव्य आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में G20 समूह के राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेने के लिए दिल्ली भी आएंगे। 8 से 10 सितंबर के बीच राजधानी दिल्ली बंद रहेगी और G20 के मेहमान आगरा में भी विजिट कर सकते हैं। इसी को लेकर आगरा प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं संवाददाता राकेश कनौजिया। जी राकेश, बताइए कि दिल्ली में होने वाली G20 बैठक को लेकर आगरा में क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहता हूं कि G20 शिखर सम्मेलन जिस तरीके से भारत को मिला है, 1 दिसंबर 2022 से लेकर नवम्बर 2023 तक भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला और कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले अंजलि, आगरा में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी और दिल्ली के अंदर 9 और 10 सितंबर को बैठक होने जा रही है, जिसमें 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। अंजलि, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि G20 शिखर सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन है। विश्व की आबादी का 67% हिस्सा इस देशों में शामिल है। इसके अलावा GDP 85% और तमाम सारा ऐसा योगदान दुनिया के अंदर G20 देशों का है जो कहीं ना कहीं भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 और 10 सितंबर को दुनिया के 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुटने वाले हैं, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ भी है। कुल मिलाकर 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुटने वाले हैं और जैसा कि दिल्ली के अंदर मेहमान जुटेंगे, बड़ी संख्या में मेहमान दिल्ली के अंदर जुटेंगे, यूं कहा जा सकता है कि दिल्ली में विदेशी मेहमानों का महाकुंभ लगने वाला है। इसी के मद्देनज़र, चूंकि दिल्ली से आगरा की दूरी कुछ अधिक नहीं है, ऐतिहासिक इमारत ताजमहल जो विश्व की धरोहर है आगरा में है, और जब भी कोई मेहमान हिंदुस्तान की धरती पर, भारत की धरती पर कदम रखता है तो कहीं ना कहीं उसकी लालसा रहती है, मन में इच्छा रहती है कि वे आगरा जाए और ऐतिहासिक इमारत विश्व की धरोहर ताजमहल का अवलोकन अवश्य करें। इसी के मद्देनज़र आगरा को सजाने और संवारने की कसरत अंजलि की जा रही है, व्यापक पैमाने पर परिवर्तन किया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूर्व में G20 बैठक को लेकर आगरा को सजाया गया था, सवारा गया था, तमाम सड़कों को चमका दिया गया था, खेरिया हवाई अड्डे से लेकर ताजमहल पूर्वी गेट तक एक आगरा ऐसा नज़र आने लगा था मानो हम विदेशी धरती पर मौजूद हों। फिर से वही कसरत की जा रही है खेरिया हवाई अड्डे से लेकर, क्योंकि विदेशी मेहमान खेरिया हवाई अड्डे पर उतरेंगे और सड़क मार्ग से सीधे ताजमहल पहुंचेंगे। तमाम सारे इंतजाम किए जा रहे हैं अंजलि।
जी राकेश, ये बताइए कि जिस तरीके से आगरा में तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से, तो क्या लगता है कि शिखर सम्मेलन की बैठक आगरा में भी हो सकती है, क्या ये संभावित है? देखिए अंजलि, जैसा कि आगरा के अंदर एक पूर्व में बैठक हो चुकी है और ऐसा कयास पहले लगाया जा रहा था कि दूसरी बैठक आगरा में होगी, लेकिन जो आगरा में बैठक होनी थी उसे बनारस काशी शिफ्ट कर दिया गया था और अब केवल तैयारियां इस बात की हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर 9 और 10 सितंबर को विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की, G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होने वाली है। तमाम विदेशी मेहमान राष्ट्रीय अध्यक्षों के अलावा भारत की धरती पर होंगे, हिंदुस्तान की धरती पर होंगे और कहीं ना कहीं ताजमहल को भी देखने के लिए आएंगे। इस लिहाज से ये तैयारियां लगातार की जा रही हैं। अंजलि जी, राकेश, ये बताइए कि इस बैठक को लेकर रेलवे की क्या तैयारियां हैं? देखिए अंजलि, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि तमाम सारे विदेशी मेहमान जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जुटेंगे, बड़ी बड़ी हस्तियां दिल्ली के जुटने वाली हैं, उसको देखते हुए रेलवे भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। रेलवे के द्वारा भी तमाम सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, दिल्ली में अधिक भीड़ ना हो इसको लेकर रेलवे ने तमाम सारी व्यवस्थाएं की हैं। जो दिल्ली पर ट्रेनें समाप्त होती थी उन्हें या तो नियामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर रोका जा रहा है या फिर दूसरे रास्तों से दिल्ली के आगे के लिए पहुंचाने का इंतजाम रेलवे के द्वारा किया गया है। इसके अलावा कई ट्रेनों को रेलवे ने निरस्त भी कर दिया है, जिसमें ताज एक्सप्रेस भी है। ताज एक्सप्रेस काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन मानी जाती है, उसको निरस्त किया गया है और लोगों से इस बात की अपील भी की जा रही है कि यदि आवश्यकता हो तभी आप दिल्ली का रुख करें, अनावश्यक आप दिल्ली ना पहुंचें, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली विदेशी मेहमानों के स्वागत सत्कार के लिए तैयार हो रही है। वसुधैव कुटुंबकम के थीम पर इस बार G20 का सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है और कहीं ना कहीं भारत समूची दुनिया को संदेश देना चाहता है कि भारत भी अब किसी से कम नहीं है, किसी भी दुनिया के विकसित देशों से भारत अपने आप को पीछे नहीं मानता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले कह चुके हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और कहीं ना कहीं ये कदम भी उसी तरफ बढ़ता हुआ कदम है। रेलवे भी तमाम सारे इंतजाम कर रही है, चूँकि तमाम सारे विदेशी मेहमान ट्रेनों के माध्यम से भी आगरा आ सकते हैं, क्योंकि वंदे भारत जैसी ट्रेन इस रूट पर चलती है, गतिमान ट्रेन चलती है, शताब्दी एक्सप्रेस भी चलती है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मेहमान जो अन्य लोग होंगे, तमाम सारे डेलीगेट्स लोग होंगे, वो ट्रेन के माध्यम से भी आगरा पहुंच सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे के द्वारा तमाम सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर से दिल्ली में भीड़ ना हो, अधिक भीड़ ना हो, इसको लेकर भी रेलवे पूरी तरीके से सतर्क है। स्वच्छता व्यवस्था रेलवे ने रेलवे स्टेशनों की बढ़ा दी है, कोई शरारती या कोई आतंकी किसी वारदात को अंजाम न दे सके और विदेशी मेहमानों के स्वागत सत्कार में कोई खलल ना पड़े, इसको लेकर रेल प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है। रेलवे सुरक्षा एजेंसी GRP और RPF के अलावा जिला पुलिस भी पूरी तरीके से चौकस है, जिला पुलिस भी पूरी तरीके से नज़र रखी हुई है, जिससे कोई व्यक्ति खलल पैदा ना कर सके। इसके अलावा जानकारी हमें मिली है कि सेना भी पूरी तरीके से इस पर नज़र रखे हुए है। अंजलि जी, राकेश, ये बताइए कि देश भर में ये सम्मेलन चल रहा है और सूत्रों अनुसार ये प्राप्त हुई है सूचना कि आगरा में भी ये बैठक संभावित थी। नहीं, बिल्कुल अंजलि, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले जो बैठक हुई थी उसके बाद ऐसा बताया गया था, जो घोषित भी हुआ था कि आगरा के अंदर दूसरी बैठक होनी है, इसी को लेकर तैयारियां भी लगभग प्रशासन ने शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक जो आगरा के अंदर बैठक होने वाली थी उसे बनारस यानी काशी शिफ्ट कर दिया गया, भगवान भोलेनाथ की नगरी में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब जो तैयारी चल रही है वो केवल तैयारी, विदेशी मेहमान आगरा भ्रमण के लिए आ सकते हैं, इस लिहाज से तैयारियां की जा रही हैं। अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, ये तमाम जानकारी देने के लिए।
तो आपको बता दें कि दिल्ली प्रशासन का उद्देश्य आम जनता के लिए बिना किसी परेशानी के आवाजाही की सुविधा प्रदान करना है। सभी दिन आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन वाहनों के लिए पूरी दिल्ली में परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। वहीं आम लोगों की आवाजाही को वैकल्पिक मार्गों और परिवहन साधनों के जरिए सुगम बनाया जाएगा। और आगरा नगर निगम ने भी इस बैठक को लेकर ताजनगरी को सुंदर बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। रेलवे ने ताज एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को निरस्त भी कर दिया है। नगर आयुक्त अंकित कार्य की प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही नगर आयुक्त अंकित ने लोगों से सहयोग की अपील की है। फिलहाल द टॉप स्टोरी में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।